जय हिंद जय भारत दोस्तों। आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश के 16 नगर निगम, उनको संभाग के माध्यम से याद करेंगे तो वो 16 नगर निगम हम भूलेंगे नहीं और हमें उन्हें रटना नहीं पड़ेगा। कैसी भी परिस्थिति होगी, कैसा भी प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन अगर हम उसको मानचित्र के माध्यम से पढ़ेंगे तो वो हमें हमेशा याद रहेंगे। हम पढ़ते हैं मध्य प्रदेश के 16 नगर निगम। ये बन गया मध्य प्रदेश का मानचित्र। मध्य प्रदेश का मानचित्र लगभग लगभग, और अब हम देखेंगे मध्य प्रदेश के 16 नगर निगम। ध्यान रखना, 16 नगर निगम में हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश के 10 संभागों को देखेंगे कि 10 संभाग में ये 16 नगर निगम हमें कैसे एडजस्ट करने हैं। तो सबसे पहले हम चंबल संभाग में देखेंगे एक नगर निगम मुरैना। ये एक नगर निगम पूरे चंबल संभाग में है। फिर आगे बढ़ेंगे हम ग्वालियर संभाग में, और जिस ग्वालियर संभाग में 5 जिले हैं उसमें एकमात्र नगर निगम है ग्वालियर। ये दूसरा नगर निगम मध्य प्रदेश का ग्वालियर। फिर आगे बढ़ते हैं भोपाल संभाग में, ये बिल्कुल मानचित्र में इनकी स्थिति ऐसी ही है। भोपाल संभाग में केवल एक ही नगर निगम है भोपाल, और वो मध्य प्रदेश का तीसरा नगर निगम हो जाएगा। उज्जैन संभाग जो मालवा अंचल को कवर करता है, जिसमें कुल 7 जिले हैं, उस उज्जैन संभाग में 3 नगर निगम हैं। एक तो स्वयं उज्जैन ही नगर निगम है और उसके साथ उससे लगा हुआ देवास भी नगर निगम में शामिल किया जाता है। रतलाम को भी मध्य प्रदेश के नगर निगमों में स्थान दिया गया है, इसलिए उज्जैन संभाग एक पहला संभाग है जिसमें 7 जिलों में से 3 नगर निगम हैं। आगे हम चलते हैं तो एक जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग मिलता है इंदौर, और इस इंदौर संभाग में इंदौर नगर निगम तो पूरे विश्व में ख्यात है, पूरे भारत में क्लीनेस्ट सिटी है, लगातार 6 बार सफाई के मामले में नंबर 1 रहा है इंदौर नगर निगम। इंदौर रहेगा नंबर 1, ध्यान रखना। ये इंदौर नगर निगम जो मध्य प्रदेश में सबसे, भारत में सबसे सफल शहर है, सबसे साफ शहर है, वो नगर निगम है। उससे लगा हुआ खंडवा को भी नगर निगम में शामिल किया जाता है, और बुरहानपुर को भी नगर निगम में शामिल किया जाता है। तो इंदौर संभाग में भी नगर निगम 3 हैं, इंदौर, खंडवा और बुरहानपुर। लेकिन दुर्भाग्य से नर्मदापुरम संभाग में एक भी नगर निगम नहीं है। होशंगाबाद, हरदा और बैतूल में से एक भी नगर निगम नहीं है। आगे जब हम क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े संभाग जबलपुर में आएंगे तो जबलपुर में भी हमें 3 नगर निगम मिलेंगे। जबलपुर स्वयं जो मध्य प्रदेश का सबसे पुराना नगर निगम है, मध्य प्रदेश का सबसे पुराना नगर निगम जबलपुर है। जबलपुर से लगा हुआ कटनी नगर निगम में शामिल किया जाता है, और छिंदवाड़ा को जो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला भी है, वो छिंदवाड़ा भी नगर निगम में शामिल किया जाता है। तो जबलपुर में कटनी और छिंदवाड़ा नगर निगम में के रूप में मान्यता प्राप्त है। नर्मदापुरम की जैसे ही शहडोल संभाग में भी एक भी नगर निगम नहीं मिलता है, लेकिन हाँ, जब आप रीवा संभाग में जाते हैं तो उस रीवा संभाग में आपको 4 जिलों में से 3 नगर निगम मिलते हैं। अगर आप सीधी को छोड़ दें तो सिंगरौली भी नगर निगम है। सिंगरौली नगर निगम जो मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी है, और सतना भी नगर निगम है, और रीवा भी नगर निगम है। देखें आप, इस छोटे से संभाग में, 4 जिलों के संभाग में 3 नगर निगम मिलते हैं, सिंगरौली, सतना और रीवा। जब हम बुंदेलखंड संभाग में जाते हैं जिसका मुख्यालय सागर है, उस बुंदेलखंड संभाग में 6 जिले हैं लेकिन उसमें एकमात्र नगर निगम है सागर। इस तरीके से 16 नगर निगम की कहानी खत्म हो जाती है। ध्यान रखना, ग्वालियर मुरैना में एक है, ग्वालियर में एक है, भोपाल में एक है, और सागर में एक है, और नर्मदापुरम और शहडोल में एक भी नहीं है। उज्जैन में 3 हैं, इंदौर में 3 हैं, जबलपुर में 3 हैं, और रीवा संभाग में 3 हैं। कुल मिला के आपके 16
नगर निगम। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमसे जुड़ें।